नमस्कार, मैं अनिल कुमार, आप देख रहे हैं मैग्निफिसेंट न्यूज। आज वाकई में भारत देश के लिए सबसे अहम दिन है, क्योंकि आज कश्मीर से जो आर्टिकल 370 था उसे हटा दिया गया। इसको लेकर राज्यसभा में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने अपना संकल्प पत्र दायर किया, साथ ही यह घोषणा भी की कि मात्र एक आर्टिकल छोड़कर बाकी 370 के सभी जितने अनुच्छेद हैं सबको जम्मू कश्मीर से हटा लिया गया है। यानी अब कहा जाए तो अब जम्मू कश्मीर में भारत का संविधान लागू हो सकेगा। हालांकि जिस समय गृह मंत्री अमित शाह इस मामले को लेकर राज्यसभा में इसे पेश कर रहे थे, राज्यसभा में विपक्ष की ओर से जोरदार हंगामा किया गया, लेकिन उसका कोई असर नहीं पड़ा। हाँ, दूसरा असर पड़ा कि जैसे ही कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने की सूचना पूरे देशवासियों को मिली, देशवासियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी, तो कहीं ना कहीं हमारा कोयलांचल भी इससे अछूता नहीं रहा और यहाँ के लोग भी इस फैसले पर अपनी खुशी जाहिर की। तो सबसे पहले हम इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं कि आखिर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में किस तरह से कश्मीर में आर्टिकल 370 को लेकर अपनी बात को रखा और किस तरह। मैं आज जो रिवाइज अपना बिजनेस का लिस्ट है उसके अंदर आपने मुझे व्यवस्था दी है कि मैं दो संकल्प और एक बिल, जो प्रिंटेड बिल रिवाइज रूल बिजनेस के अलावा मैं प्रस्तुत करूं। मैं चारों चीज़ें एक साथ प्रस्तुत करूंगा, इस पर डिटेल से चर्चा करेंगे और उसके बाद में मैं जवाब भी दूंगा और चारों पर एक के बाद एक के बाद एक कर कर डिवीजन करना है तो डिवीजन, मगर मुझे भरोसा है कि चारों चीज़ें पर एक सहमति हो जाएगी तो हम इस पर चर्चा कर कर वोटिंग करेंगे। माननीय गुलाम नबी आजाद जी ने जो कहा कि कश्मीर की आज की जो स्थिति है उस पर चर्चा करनी चाहिए, मैं उनसे एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि चारों दो संकल्प और दो बिल जो लेकर आए हैं वो कश्मीर इश्यू पर ही है, उस पर आप अपना विचार रख सकते हैं। इस वक्त कश्मीर की आज की स्थिति पर भी रखिए, उस पर भी मैं जवाब दूंगा। अब मैं एक के बाद एक संकल्प और बिल महोदय मैं संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि ये सदन अनुच्छेद 373 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की सिफारिश करता है। संविधान के अनुच्छेद 373 के अंतर्गत भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड एक के साथ पठित अनुच्छेद 370 के खंड तीन द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि यह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे सिवाय खंड एक के नामक तदनुसार पढ़ा जाएगा। संविधान के समय समय पर संशोधित बिना किसी संशोधन के जम्मू और कश्मीर राज्यों पर लागू होंगे। इस बात के सिवा अनुच्छेद 152 अथवा अनुच्छेद 301 में नहीं किसी अपवाद अथवा इस संविधान के किसी अन्य अनुच्छेद अथवा जम्मू और कश्मीर संविधान के किसी अन्य उपबंध अथवा कोई कानूनी दस्तावेज, निर्णय, अध्यादेश, उपनियम, नियम, विनिमय, अधिसूचना, नीति, रिवाज अथवा भारत के भूभाग में कानून के प्रवर्तन अथवा कोई अन्य लिखित संधि अथवा समझौते जैसे अनुच्छेद 363 के अंतर्गत परिकल्पित हो अन्यथा न हो। माननीय सभापति महोदय, मैं संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि यह सभा भारत के राष्ट्रपति की दिनांक 19 दिसंबर 2019 की उद्घोषणा के अनुरूप जम्मू और कश्मीर की राज्य की विधायी शक्तियां इस सदन में नियुक्त होने एवं राष्ट्रपति द्वारा भारत के संविधान अनुच्छेद 3 के प्रावधान के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक
संरक्षण अधिनियम 2004 और संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की परमिशन दी जाए। आपने देखा कि किस तरह से गृह मंत्री अमित शाह राज्यसभा में आर्टिकल 370 को लेकर कश्मीर के मसले पर अपनी बातों को रख रहे थे और लगातार हंगामे का दौर भी जारी रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जब से यह फैसला आया है भारत के लोगों में खुशी देखी जा रही है। कोयलांचल के विभिन्न हिस्सों के लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है, खास करके हमने बचरा के कुछ लोगों से इस बारे में उनकी प्रतिक्रिया ली, तो आइए सुनते हैं क्या कहा है बचरा के लोगों ने और कितने खुश नजर आ रहे हैं यहाँ के लोग। अभी कश्मीर पर फैसला आया, क्या कहना है आपका? 5 अगस्त 2019 भारत के लिए स्वतंत्र प्रभावित कर रहा, पहले कश्मीर जो था अलग संविधान चलता था, अब भारत के अंदर में हो गया है, इसलिए खुशी मनाइए, बम पड़ाका फोड़िए और कश्मीर में बसने की तैयारी कीजिए। हमारा यही करना। आज आप लोग खुश हैं? कोई बहुत खुश है। भारत माता की जय। 2019 में जो हमारा मोदी सरकार ने जो आज किया है, 70 साल का जो हमारा कुंठा था, जो हमारे पूरा इंडियन, जो हमारे जो हर भारतीय लोग का एक इच्छा शक्ति था कि कब हमारा धारा 370 हटे और धारा 370 का 35A को हटाया जाए, जिससे हम लोग का पूरा देश एक हो, अखंड भारत, जो हमारा सरदार हमारा पंडित दीनदयाल नेहरू दीनदयाल उपाध्याय का जो सपना था, वो आज मोदी जी ने और अमित शाह जी ने बहुत ही इच्छा शक्ति के साथ, बहुत दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ उन्हें पूरा किया। इस जीवन में हमारे लिए मोदी जी को वोट देना एक गर्व महसूस कर रहे हैं एक इंडियन के नाते। आप लोग तो अक्सर जाते रहते थे, क्या परेशानी होती? बहुत सारा परेशानी। अभी हम कुछ ही दिन पहले अभी वैष्णो देवी से दर्शन करके आ रहे हैं, जैसे ही पठानकोट हम लोग पार करते थे, वो ब्रिज होता है एक जो पठानकोट सियालकोट को जोड़ता है, वहाँ से ही हम लोग को टावर बंद हो जाता था, कम्युनिकेशन रद्द हो जाता था, हम लोग को बहुत ही दिक्कत होता था वैष्णो देवी दर्शन अमरनाथ दर्शन के लिए, वो आज हमारा ख़त्म हुआ। आज आप लोग खुश हैं? हाँ, बहुत खुश है। कोई भी ऐसा इंडियन नहीं होगा जो आज खुश नहीं होगा, सिवाय तीन लोगों का, वो है मुफ्ती और शेख अब्दुल्ला का परिवार और गुलाम नबी आजाद। माता की जय। आज का जो फैसला ऐतिहासिक फैसला है और पूरा देश का गौरव है प्राप्त हुई है और हम पूरा भारत देश पूरा जश्न में डूबा हुआ है। भारत माता की जय। आज हमारे देश के लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा और अमित शाह द्वारा, गृह मंत्री द्वारा, जो आज देश में जम्मू कश्मीर में धारा 370 और 35A को जो हटाया गया है, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है और आने वाला समय में लगता है कि हमारे देश के लोग अब जम्मू कश्मीर में घर मकान ले सकते हैं और उनकी भविष्य की कामना भी करता हूँ कि भाई इस तरह देश में आज़ादी हमेशा बनता रहे। और मिलता रहे, धन्यवाद। हमारे देश में 72 साल के बाद आज़ादी एक तरह से संपूर्ण हुई है और हमारे भारत सरकार से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सभी लोगों के कि आज ये 370 और 35A हटाया गया है। सबसे बड़ा अंतर ये दिखेगा कि आज हम कश्मीर में मेरे दोस्त यार नौकरी करने जाए या एथी आए, बहुत तरह के ये सब होते हैं, समझे, जो यहाँ के लोग हैं वहाँ नौकरी करते हैं, वहाँ के लोग यहाँ नौकरी करेंगे। पहले ये चीज़ नहीं थे, पहले थे कि वहाँ के लोग यहाँ नौकरी कर सकते थे मगर हमारे लोग यहाँ से वहाँ नहीं जा सकते थे, मगर आज के डेट में ये तो हमारे लिए पूरे देश के लिए ये अच्छा है और भारत शासित राज्य होने के कारण आज जम्मू कश्मीर का यहाँ का संविधान अब वहाँ भी लागू हो गया। जी हाँ, उससे लोगों को और फायदा मिलेगा, बहुत फायदा होगा, लोग रह सकते हैं, विवाह कर सकते हैं, सारे चीज हो सकते हैं। मैंने आज समझे, आप लोग खुश हैं आज? हाँ, बहुत खुश हैं और भारत सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद।